हाय गाइस, मैं आप सबका सुपर सिंह और आज हम बात करेंगे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि प्री वर्कआउट हम लोग क्यों लेते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई 8 घंटे की ड्यूटी या जॉब से आकर वर्कआउट करते हैं तो उनमें अभी वो टाइम पे पावर नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, तो जिम जाने का मूड भी नहीं करता है कभी कभी। तो वो क्या करते हैं, फिर या तो जिम की छुट्टी कर लेते हैं या तो जिम जाते हैं, तो उतने हाई लेवल में वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये वो फिर इसलिए यूज़ करते हैं प्री वर्कआउट कि हम लोग जिम में जाकर एटलीस्ट 1 घंटे का जो वर्कआउट है हमारा हम लोग इजीली कर सकें, हमारे एनर्जी एक हाई लेवल पे पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे C4 एनर्जी प्री वर्कआउट के बारे में। तो ये कैसा है और ये कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्री वर्कआउट है, तो मतलब हमने वर्कआउट से पहले ही हमने एक स्कूप लेना है। तो जो तो बिगिनर्स हैं तो वो तो हाफ स्कूप से ट्राई करना, और जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आई थिंक वो एक स्कूप से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें क्रिएटिन नाइट्रेट है तो ये है हमारा एनर्जी स्ट्रेंथ लेवल हमारा हाई करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रेगुलर भी यूज़ कर रहा है इसको तो ये उसी टाइम पे यूज़ करो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ आज आप टायर्ड हो, बहुत वीक लग रहा है कि जिम जाने का मूड भी नहीं है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ या तो आपने स्ट्रेंथ बेस पे आपने वर्कआउट करना है तो उस दिन यूज़ करो। और जो रेगुलर कंटिन्यू ले रहे हैं काफ़ी महीनों से, 2 महीने 3 महीने से ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि उनको गैप देना चाहिए, ये कंटिन्यू इसके ऊपर डिपेंड में मत रहो। क्योंकि अगर आप यही C4 के ऊपर मतलब एक प्री वर्कआउट हमेशा ले रहे हो कि मतलब दिन में कुछ कर भी नहीं रहे हो, बॉडी ऑलरेडी एनर्जी है बॉडी में, तो फिर भी आप ये कंटिन्यू ले रहे हो तो आई थिंक बॉडी को एक आदत पड़ जाएगी। तो मतलब अगर कोई भी हाई लेवल का भी प्री वर्कआउट अगर आप लोगे तो वो मतलब अपनी बॉडी को जैसे एक एक स्कूप आप हमेशा ले रहे हो तो एक स्कूप बॉडी को लगेगा ही नहीं, बॉडी मांगेगी कि मुझे अभी और दो, क्योंकि मेरी मतलब क्या देसी भाषा में समझाऊं तो इसकी सहन शक्ति और बढ़ जाएगी। तो मतलब कि जो 2 स्कूप में हम लोग पहले 1 स्कूप में जो काम करते थे तो अभी 2 स्कूप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 स्कूप मतलब उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं क्या यूज़ करता हूं। पहली बात तो मैं ज़्यादा प्री वर्कआउट यूज़ करता नहीं हूँ, ये आई थिंक मेरे को 4 या 5 महीने से ऊपर हो गया कि मैंने ये C4 का मैंने सप्लीमेंट लिया था यहाँ पे प्री वर्कआउट। तो अभी भी इसमें आई थिंक 3-4 स्कूप है इसमें अभी भी, तो आपको दिखाई दूँ, आप देख सकते हो कि तीन चार भी नहीं रह गए, आई थिंक 2-3 स्कूप ही है इसमें। तो मैं ये तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे मेरी बॉडी मतलब 12 घंटे की अगर मेरी शिफ्ट लगी हो, काम हैवी हो, बॉडी अगर साथ नहीं दे रही तो, पर वर्कआउट ज़रूर करना मैंने, तो मैं ये 1 स्कूप लेके चले जाता हूँ। तो थोड़ा जा एनर्जी थोड़ा बूस्ट लेवल हाई हो जाता है, और जिस दिन मैंने इसमें वर्कआउट स्ट्रेंथ पे वो करना रहता है तो भी मैं मतलब ले लेता हूँ, बहुत मतलब रेयर बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो मैं भी आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि प्री वर्कआउट के ऊपर डिपेंड मत रहना, बहुत कम यूज़ करना इसको, ये अपनी डेली रूटीन में डाइट में मत ऐड कर देना कि हाँ जिम जाना है तो मैंने 1 स्कूप लेकर ही जाना है। ओके, तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, वो पी के चले जाता हूँ, क्योंकि उसमें भी कैफीन मुझे जितना चाहिए उतना मिल जाता है, बॉडी मेरी एनर्जी रहती है। और सबसे पहली बात तो जो हमारी एनर्जी लेवल डाउन होता है हमारा यहाँ से होता है, दिमाग से। ओके, और एनर्जी अगर हमने बूस्ट करना है तो भी हमने दिमाग से करना है। आप एक ट्राई ज़रूर करना, आप किसी भी फ्रेंड से ट्राई कर लेना कि कोई भी जूस अपने फ्रेंड को दे देना पीने के लिए, और बोलना कि अरे ये प्री वर्कआउट है C4 है या एनीथिंग, कोई भी ब्रांड का नाम दे देना कि अरे ये बहुत बढ़िया, इसमें यार एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल का आ जाता है, स्ट्रेंथ भी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरा। तो आप उससे ये बोल के कोई भी जूस उसको पिला देना और देखना कि उसका रिव्यू आफ्टर वर्कआउट क्या बोलता है। वो यही बोलेगा जब आपने उसके दिमाग में क्या डाल दिया कि प्री वर्कआउट ये बहुत बढ़िया है, इसे पियो, इससे आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा और आपका स्ट्रेंथ लेवल भी हाई होगा। तो मतलब उसके दिमाग में ऑलरेडी आपने डाल दिया ये चीज़, तो मतलब वो ही चीज़ को लेकर भी आगे चलेगा और उसी हिसाब से वर्कआउट करने लगेगा। तो जब पोस्ट वर्कआउट में आप पूछोगे उसको कि वर्कआउट कैसा रहा, वो बोलेगा अरे यार एक नंबर चीज़ थी ये, तो क्यों, क्योंकि उसके आपने दिमाग में ऑलरेडी डाल दिया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप माइंड से स्ट्रांग हो जाओ, अगर आप कहना चाहते हो कि हाँ भाई आज हमने वर्कआउट करना है नेक्स्ट लेवल का करना है तो आप करोगे। अगर स्टार्टिंग में ही जिम में आप एंटर कर रहे हो
कि नहीं यार आज मन सा नहीं कर रहा यार और फोन पे लगे हो, तो एक्चुअली आपसे आपका वर्कआउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने माइंड से पहले आपने गिव अप कर दिया है। अभी मैं इतनी क्रॉसफिट, आप सबको पता है कि मैंने क्रॉसफिट वर्कआउट करता हूँ मोस्टली, तो उसमें स्टेमिना नेक्स्ट लेवल तक चाहिए। तो मैंने आज तक इंडिया में बहुत बार वर्कआउट किया, बहुत रेयरली मैंने, अगर मैंने कहीं प्री वर्कआउट यूज़ किया है तो किया, नहीं तो मैं प्री वर्कआउट के ऊपर पैसा वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके तो ये C4 भी लिया, तो जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे थोड़ा काम ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा हार्ड वर्क है, तो ये मैंने ले लिया अभी 3-4 महीने, सॉरी 4-5 महीने पहले से। हाँ तो अभी भी इसमें 2-3 स्कूप है, आई थिंक इससे भी मैं महीना निकाल दूंगा, क्योंकि ये मैं तभी पीऊंगा जब मैंने कुछ ज़्यादा ही मेरा मतलब टायर्ड हूँ, या स्ट्रेंथ वर्कआउट तो ऐसे भी मैं डेली करता ही रहता हूँ, तो कभी कभी मैं पी लेता हूँ, ऐसे नहीं पीता हूँ, जू समझ के पीता हूँ मैं तो वैसे भी। तो आप सबको भी मैं यही राय देना चाहता हूँ कि प्री वर्कआउट अगर आप ले रहे हो, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक अच्छी चीज़ में करना। तो C4 भी बहुत बढ़िया है, इसका आपका स्ट्रेंथ लेवल भी हाई होगा। अगर आप पैसा नहीं इसमें वेस्ट करना चाहते हो, या वेस्ट बोल दो या इन्वेस्ट बोल दो, तो मैं हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीकर वर्कआउट करता हूँ मोस्टली। तो ब्लैक कॉफ़ी पीकर वर्कआउट करो, कैफीन लेवल थोड़ा हो जाएगा, और ब्लैक कॉफ़ी की भी हमने आदत नहीं डालनी, ये हमने तभी लेना जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरी बॉडी आज वीक है, आज वर्कआउट का मन नहीं कर रहा है। और कभी भी मन बनाना हो, वर्कआउट करनी हो, तो माइंड को स्ट्रांग करके ही जिम में घुसो कि नहीं यार आज मैंने वर्कआउट नहीं, नेक्स्ट लेवल करना है, आज कुछ मैंने न्यू ट्राई करना है, आज मैंने हैवी वेट पे करना है, तो समझ ला कि आपका वर्कआउट ऑलमोस्ट हो चुका, अगर आप ये सोचकर ही जिम में अगर गए हो आप। तो चलिए बाकी C4 बेस्ट है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, और एक्चुअली बेस्ट है, सब लोग ले रहे हैं तो मतलब अच्छी चीज है। मैं बिना प्री वर्कआउट के वर्कआउट करता रहता हूँ, आप सबको पता है कि मेरी वर्कआउट कौन से लेवल पे की रहती हैं, तो आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि ब्लैक कॉफी या C4 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, और अपने माइंड को स्ट्रांग करके जिम में जाओगे तो इन तीनों में से क्या चीज आपको प्री वर्कआउट में चाहिए। ओके तो आपको, आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, क्योंकि इंस्टा पे आप फॉलो करोगे तो मैं अपनी वीडियोस वगैरह वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, स्टोरीज अपलोड करता रहता हूँ वर्कआउट की, हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो आप सबके मैसेज आते हैं पोस्ट में, और आप मुझे स्टोरीज में कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप आपके कमेंट और बातों से ही मैं काफ़ी मोटिवेट हो चुका होता हूँ। ओके तो आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने बेल आइकन को ऑन नहीं किया वो ऑन कर दो, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके सुपर सिंह ने न्यू वीडियो अपलोड कर दी है। ओके तो आप सबका सुपर सिंह, जय हिंद।